हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। जीएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए साइकेट्रिक से स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी मतलब समुदाय, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, और सर्विसेज मतलब योजनाएं। मतलब समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज आल्सो नोन एज कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम्स इन द यूनाइटेड किंगडम। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम्स के नाम से जाना जाता है इन द यूनाइटेड किंगडम। यूके के अकॉर्डिंग सपोर्ट और ट्रीट पीपल, हम लोग ये जो सर्विसेज होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं पीपल को और सपोर्ट करती हैं पीपल को विद मेंटल डिसऑर्डर, उनको जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होता है। इन अ डोमिसिलरी सेटिंग इंसीडेड ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, अगर डोमिसिलरी मतलब एक घर के, या फिर डोमिसिलरी मतलब घर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेटिंग होती है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स वगैरह में की जाती है। मतलब ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल वगैरह में चालू की जाती हैं। इफ़ इट रिफर्स टू सिस्टम ऑफ केयर इन विच द पेशेंट्स कम्युनिटी, ये जो सिस्टम्स वगैरह हैं केयर के, ये कहाँ पे होते हैं, पेशेंट्स के कम्युनिटी में होते हैं। नॉट अ स्पेसिफिक फैसिलिटीज इस सच एज हॉस्पिटल, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती है हॉस्पिटल में। इज़ द प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ केयर ऑफ पीपल विद द मेंटल इलनेस, इसमें क्या होता है कि जो भी पीपल होते हैं उनको क्या की जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। मतलब मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं उसमें क्या होता है, उन लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है। इसका गोल क्या है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज का गोल क्या है, द गोल ऑफ कम्युनिटी, गोल मतलब उद्देश्य। The goal of community mental health services often include much more than simple providing outpatient psychiatric treatment. इसका मेन उद्देश्य क्या है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज का मेन उद्देश्य ये है, ऑफन इंक्लूड्स मच मोर देन सिंपली प्रोवाइडिंग आउट पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। जो आउट पेशेंट है मतलब जो बाहर से आने वाले पेशेंट है उनको क्या करते हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इस सर्विस के अकॉर्डिंग। उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज इंक्लूड कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, सपोर्टेड हाउसिंग विद फुल और पार्सल, इसमें क्या किया जाता है, जो हाउस वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है फुल्ली पार्सली मतलब आधा आधे तरीके से। उसके बाद सुपरविज़न, उनको सुपरवाइज किया जाता है। साइकेट्रिक वार्ड्स होते हैं जहाँ जनरल हॉस्पिटल्स, मतलब जनरल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर साइकेट्रिक वार्ड्स होते हैं। पार्सियल हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइजेशन, पार्सली हॉस्पिटलाइजेशन होता है। लोकल प्राइमरी केयर मेडिकल सर्विसेज, मतलब लोकली प्राइमरी केयर प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। डे सेंटर्स और क्लब हाउसेस, डे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे दिन में काम होता है, क्लब हाउसेस होते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस सेंटर्स होते हैं। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द मेंटल हेल्थ, और कुछ सेल्फ ग्रुप बनाए जाते हैं किसके लिए, मेंटल हेल्थ को सहायता करने के लिए। द सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट, जो ये सर्विसेज होती हैं मे बी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, या फिर ऑर्गेनाइज की जाती हैं फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इंक्लूडिंग कौन कौन होता है इन सर्विसेज में, स्पेशलाइज टीम होती है प्रोवाइडिंग सर्विसेज अक्रॉस जियोग्राफिकल एरिया ससेस असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट एंड अर्ली साइकोसिस टीम। इसमें क्या होता है कि जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्पेशलाइज टीम होती है जो क्या करती है, सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक एरिया दे दिया जाता है कि यहाँ पे क्या करना है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी, तो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सच एज असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अर्ली साइकोसिस टीम, जो मतलब साइकोसिस टीम बनाई जाती है उसके द्वारा। दे मे बी ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है, जो सर्विसेज होती है मे बी प्राइवेट तरीके से भी प्रोवाइड की जाती है, या फिर चैरिटी वाइज भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो फंड वगैरह से स्टार्ट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले बोर कमेटी रिपोर्ट 1947 में स्टार्ट हुई थी, बोर थे उन्होंने स्टार्ट करी थी। इवन इफ द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट बी टेकन एज 2 per 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया, अगर इसका प्रोपोर्शन ये था, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, अगर देखा गया जो पेशेंट है 2 per 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में 1000 में क्या हो गए, 2 पीपल जो हैं अगर मेंटली रूप से रिटार्डेड हैं, मेंटली इलनेस हैं, उनको हॉस्पिटल अकोमोडेशन शुड बी अवेलेबल। तो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल अकोमोडेशन अवेलेबल था फॉर 8000 मेंटल पेशेंट एज
अगेंस्ट एग्जिस्टिंग सॉरी 8 लाख मेंटल पेशेंट्स एज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग, मतलब क्या इसमें 8 लाख जो भी मेंटल पेशेंट थे उनके अगेंस्ट क्या किया गया था, प्रोविजन फॉर लिटिल ओवर 10,000 बेड्स फॉर द कम्युनिटी एज होल, मतलब बोर कमेटी के अकॉर्डिंग क्या था, 1,000 पॉपुलेशन 2 per 1,000, मतलब 1,000 पॉपुलेशन के अंडर में 2 पेशेंट थे, और इसमें जो हॉस्पिटल और अकोमोडेशन था प्रोवाइड किया जा रहा था जो 80 लाख मेंटल पेशेंट एज सॉरी 8 लाख जो मेंटल पेशेंट थे उन पर कितने, उन पर लिटिल ओवर 10,000 बेड्स फॉर द कंट्री एज होल, 8 लाख पेशेंट पे 10,000 बेड्स जो हैं वो कंट्री द्वारा प्रोवाइडेड किए जा रहे थे, किसके अकॉर्डिंग, बोर कमेटी के अकॉर्डिंग, बोर कमेटी ने 8 लाख पेशेंटों पे 10,000 बेड का प्रोविजन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है मुदलार कमेटी रिपोर्ट जो 1964 में स्टार्ट हुई थी, रियलेबल स्टैटिक्स रिगार्डिंग द इंसिडेंस ऑफ मेंटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, अगर एक इन्होंने स्टैटिक्स के रिकॉर्डिंग मतलब जनगणना के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जितने भी मेंटल मॉर्बिडिटी थी इन इंडिया में, मतलब जितने भी डेथ रेट और थी या फिर मेंटल इलनेस थी उनका एक इंडिया का इंसिडेंस, मतलब जितनी इंसिडेंस थी वो निकाला इंडिया का, और नॉट अवेलेबल एज अगेंस्ट द टोटल नीड फॉर द नंबर्स ऑफ बेड, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अवेलेबल कराया टोटल बेड नीड्स फॉर द मेंटल नंबर्स ऑफ बेड, उन्होंने उतने ही नंबर्स ऑफ बेड प्रोवाइड किए जितने ज़रूरत थी अवेलेबल इन द मेंटल हॉस्पिटल, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में जितने बेड की ज़रूरत थी मुदलियार कमेटी ने सिर्फ उतने ही बेड जो है वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए, इन इंडिया इज़ ओनली 15,000, और इन्होंने इंडिया में सिर्फ 15,000 बेड ही बेडेड के मतलब 15,000 ही बेड के हॉस्पिटल्स बनवाए, मतलब एक हॉस्पिटल में सिर्फ 15,000 बेड थे इनके अकॉर्डिंग, मुदलियार कमेटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1982 में, इसमें क्या था, अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज, इसमें जितनी सर्विसेज में क्या असेस किया जाता था सर्विसेज को, और क्या क्या अवेलेबिलिटी थी, क्या क्या अवेलेबल हो सकता है वो चीज़ें इस सर्विसेज में प्रोवाइड की जा रही थी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू जनरल हेल्थ केयर, इसमें क्या था, नॉलेज को और जनरल हेल्थ केयर का एप्लीकेशन हो रहा था, मतलब लोग प्रोवाइड मतलब लोग प्रोवाइड करा रहे थे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था, लोग इसमें क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, कम्युनिटी के लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्या, कम्युनिटी सेक्रेटरी, कम्युनिटी सेक्रेटरी 1955 से 2002 में लागू हुई, इसमें क्या था, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरी 1995 से 2002 में स्टार्ट हुई, एक्सटेंशन ऑफ DMHP टू 25 डिस्ट्रिक्ट और 25 स्टेट, इन्होंने क्या किया कि जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 25 डिस्ट्रिक्ट और 25 स्टेट्स मतलब 25 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या किया, बेडेड का वो किया मतलब प्रोविज़न किया, और 25 स्टेट्स में किया, फुल्ली सेंट्रल्ड फंडेड, इन्होंने फुल्ली जितने भी सेंटर्ड थे वहाँ पे फंड वगैरह प्रोवाइड कराया प्राइमरी हेल्थ करी, और लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की। लास्ट है इरावदी ट्रेजडी, ट्रेडी अगस्त 2007 में, इसमें क्या था, इरावती एक ट्रेजडी हो गई थी अगस्त 2007 में, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, बिलीफ इन सुपरनेटल, इन्होंने सुपरनेटल पे बिलीव किया, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्हों बिलीफ इन सुपर नेचुरल, जो इरावती ट्रेजडी थी इन्होंने बिलीव किया सुपर नेचुरल पर बिलीव किया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैपेबिलिटी, इन्होंने इनकैपेबिलिटी पे क्या किया, कॉन्सेप्ट बनाए, लैक ऑफ सर्विसेज थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की लैक थी उसको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो ये थी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन सी थी सर्विसेज, पहली थी बोर कमेटी रिपोर्ट जो 1947 में स्टार्ट हुई थी, और मुदलार कमेटी रिपोर्ट थी 1946 में स्टार्ट हुई थी, इसमें 15,000 बेड थे और बोर कमेटी में 10,000 बेड थे 8 लाख पेशेंट के बीच में, और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या, इसमें एसेसिबिलिटी हो रही थी सर्विसेज की, और नॉलेज को जनरेट किया जा रहा था, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा था, कम्युनिटी सेक्रेटरी 1995 से 2002 में थी, इसमें क्या हो रहा था, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे उनका एक्सटेंशन को बढ़ाया जा रहा था, 25 डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जा रहे थे और 25 स्टेट्स में, और फुल्ली फंड पे मतलब फुल्ली फंड जो हो रहा था
उस पर क्या किया जा रहा, फोकस किया जा रहा था, और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही थी। इरावती ट्रेजडी अगस्त में हुई थी, वो सुपर नेचुरल पर बिलीव कर रही थी और लैक ऑफ सर्विसेज पे और जो ह्यूमन राइट्स है उस पर भी रिकॉग्नाइजेशन हो रहा था। तो ये था आज का टॉपिक, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।